भारतीय जनता मोर्चा द्वारा जिला मुख्यालय के पीपल चौक पर दोपहर 1 बजे से प्रदेश सरकार के खिलाफ युवा आक्रोश आंदोलन धरने का आयोजन किया गया। यह धरना करीब 3 घंटे चला। इस दौरान भारतीय जनता एवं मोर्चा नेताओं ने बताया कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते के नाम पर की गई वादा खिलाफी व युवाओं से किए गए छलावे के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। जिले के सभी मंडलों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। धरने के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया। इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर कमलनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और युवाओं को जल्द बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की गई। पूरा 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, कहीं 1 रुपये किसी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। और तो और शिवराज जी ने जो योजना चालू करी थी मेधावी छात्रों को लैपटॉप और मोबाइल वितरित करने की योजना, वो भी ठप पड़ी हुई है। हम सभी युवा मोर्चा के साथियों ने आज महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर ये मांग करी है कि जल्द से जल्द युवाओं को 5000 रुपये बेरोजगार 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दी जाए और लैपटॉप और जो मोबाइल वितरित होते थे उन्हें शीघ्र चालू किया जाए। दबंग न्यूज़ के लिए होशंगाबाद से दुर्गेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट।